टिप्स। वेलकम टू फूड कनेक्शन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। रिटेन और डिटेल रेसिपी के लिए हमारी वेबसाइट foodconnectionsbymadhulika.com पर विजिट करें। फ्रेंड्स, गाजर का हलवा हर किसी का फेवरेट होता है। आज मैं आपको गाजर के हलवे को डिफरेंट स्टाइल में सर्व करने का तरीका बताऊंगी। जी हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव तरीका है। ये आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम गाजर से बनाएंगे ये गाजर का हलवा। इसका मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा है। ये दोनों चॉकलेट से हमने इनको पिघला ली है। ये ब्रेड स्लाइसेस हैं, बची हुई चाशनी है, हमने थोड़ी केसर रखी है, पिस्ता की हमने कतरन रख ली है और ये व्हिप क्रीम है जिसे हमने आइसिंग बैग में भर लिया है और इसे स्टार डोजन लगा ली है। सबसे पहले ब्रेड की स्लाइसेस को चाकू से हटाएं। इन कैरेट पिनव्हील्स के लिए हमें फ्रेश ब्रेड्स चाहिए। अब इन ब्रेड साइड्स से ब्रेड क्रम्स बनाएं। अब इन्हें एक बेलन की हेल्प से पत्ता बेल लें। सभी ब्रेड्स को इस तरह से बेल कर तैयार कर लें। अब हमने ये गुलाब जामुन की बची हुई चाशनी यहाँ पे लगाई है। आपके पास यदि चाशनी ना हो तो शुगर और पानी को मिलाकर उसका एक सिरप बनाएं। अब ये जो गाजर का हलवा हमने बना कर रखा था उसे ब्रेड की स्लाइसेस पर इवनली स्प्रेड करें। गाजर के हलवे की बहुत मोटी लेयर भी नहीं होनी चाहिए और बहुत पतली लेयर भी नहीं होनी चाहिए और ये रूम टेम्परेचर पर होना ज़रूरी है। अब इन्हें टाइट रोल करें और सभी ब्रेड के इस तरह से रोल बना लें और जो एंड के एंड से हमने सिक्योर कर लें। इन्हें बनाकर 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखें। अब इन्हें फ्रिज से बाहर निकालें और 1 इंच की मोटी थिक लेयर्स में स्लाइसेस में कट करें। देखिए कितनी सुंदर कैरेट हलवा पिनव्हील्स बनी है। आप इस तरह से बनाएं और इन्हें आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और पार्टीज वगैरह के लिए बनाकर रखें। ये बहुत ही अट्रैक्टिव और टेस्टी लगेंगी और बनाने में भी इजी है। बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगी। ये बहुत ही कलरफुल और इजी टू मेक है। अब मैंने इक्वल बॉल्स बनाने के लिए 1 टेबल स्पून का मेजरमेंट लिया है। 1 टेबल स्पून भर कर आप हलवा लें और इसे छोटी छोटी बॉल्स बनाएं और एक प्लेट पर रखते जाएं। आपको जितनी बॉल्स बनानी है उतनी बॉल्स प्रिपेयर करें। इस तरह से मैंने ये बॉल्स बना ली और 10 मिनट के लिए इन्हें फ्रीजर में रख दिया। इन्हें फ्रीजर से बाहर निकाल कर मैंने थोड़ा 2 मिनट के लिए बाहर रखा है। अब मेरी मेल्टेड बटर्स तैयार है। अब इन एक प्लेट पर फॉइल पेपर रखें और जो हमने कैरेट हलवे से बॉल्स बनाई थी उन्हें इन फॉइल पेपर पर रखते जाएं। आप अपने इच्छा अनुसार वाइट की भी बना सकते हैं और ब्राउन की भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों बनाकर दिखाई हैं। इस तरह से सभी बॉल्स को कोट कर लें। अब ये थोड़ी सूख चुकी है। अब इन्हें जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वह चाकू से निकालें और स्मूथ फिनिशिंग दें। और ये दिख रहा है, इसे हम डबल कोट करते हुए कवर करेंगे। इससे चॉकलेट की हमें थोड़ी थिक लेयर भी मिलेगी। इस तरह से सभी चॉकलेट्स को दोबारा से चॉकलेट मेल्टेड चॉकलेट में डिप करें और 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रखें। देखिए इस तरह से मैंने सभी को डबल कोट कर लिया है। अब ब्राउन चॉकलेट के ऊपर व्हाइट चॉकलेट से ड्रिजल कर रही हूँ। अब अपने मन पसंद अनुसार किसी भी तरह से इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं।
अब इस पर पिस्ताची फ्लेक्स लगाएं। आप यहाँ पर स्प्रिंकल का भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाइट चॉकलेट को मैं ब्राउन चॉकलेट से डेकोरेट कर रही हूँ। इन्हें भी पिस्ता कतरन और केसर के धागों से गार्निश करें। इन्हें आप फ्रिज में 8 से 10 दिन तक रख सकते हैं और अपने गेस्ट और रिलेटिव्स को सर्व करें। अब मैंने यहाँ पे कैरेट हलवा परफेक्ट के लिए ग्लास लिया है। आप कोई भी ग्लास या जार ले सकते हैं। अब इस ग्लास के बॉटम पार्ट में मैंने गाजर का हलवा रखा और इसे इवनली स्प्रेड किया। इस तरह से हमें एक रेड कलर की लेयर मिल गई है। अब जो हमने क्रीम व्हिप की थी उसे इसमें पाइप आउट करें और सेकंड लेयर व्हाइट कलर की बनाएं। इसी तरह से इस प्रोसेस को ग्लास के भरने तक रिपीट करें। जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरह से बनाएं। इसे बहुत जेंटली प्रेस करें ताकि क्रीम और हलवे का लेयर्स ना बिगड़े। और सबसे लास्ट में मैंने व्हिप क्रीम से एक रोजेट बनाया है। इसे पिस्ता कतरन और केसर के धागों से गार्निश करें और चिल्ड सर्व करें। फ्रेंड्स, इन गाजर के हलवे को इस तरह से आप प्रेजेंट करें और सभी का दिल जीतें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू।